जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग बताइए सब बढ़िया बताओ भाई कैसे हो गुड आफ्टरनून सभी को तो कहां पर थे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन तक हम लोगों ने कर लिया था और अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी से आगे करना था राज कहते हैं थैंक्स राज क्लास लेने के लिए आज आप लोगों की दो क्लास है मेरे भाई एक अभी है एक बजे से लेकर सवा एक से लेकर सवा दो तक और दूसरी क्लास आप लोग देखिए एक बार आज आप लोगों की दो क्लास है आप लोगों को दो क्लासेस हो रही होंगी देखिए एक बार ठीक है पहले चेक कर लीजिए आप लोग एक सवा दो से आप लोगों की क्लास है ठीक है एक क्लास अभी है और एक सवा दो से है देखिए एक बार आप लोग ठीक है दो क्लास है आप लोगों की आज सौरव सिंह बाकी के टॉपिक कब कराओगे मेरे भाई एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके कंप्लीट कराऊंगा उसकी चिंता आप मत करो ठीक है बस पढ़ाई पे फोकस करो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना ऑल ओके okay है ना बताओ भाई चलिए बहुत अच्छी बात है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में कहा है कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कर्व एरिया ऑफ ऑफ ए वुडन सिलेंडर एट रेट सेवन मीटर इतना करके दिया गया है आपसे कहा गया कि देखो उसका डायमीटर जो है वो बीस सेंटीमीटर है हाइट जो है वो सात सेंटीमीटर है तो टोटल कॉस्ट कहा गया है कर्व सर्फेस एरिया को मतलब एक तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पर कर्व सर्फेस एरिया निकालना है और कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना है तो उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है <coughs> क्लियर है ये यह बात यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए ठीक है चलिए ऑल ओके है तो जैसा कि आपको पता है कि एक बेलन यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है टू पाई आर एच होता है तो पहले हम एरिया निकालेंगे और उसके बाद उसका जो रेट है उससे गुना कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा सभी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए सभी आंसर कर रहे हैं तो एक बार हम लोग देखते हैं सबसे पहले एरिया की बात करते हैं तो सिलेंडर का जो कर्व सर्फेस एरिया होता है वो कितना होता है टू पाई आर होता है होता है यहाँ पर दो के स्थान पर दो रखेंगे के स्थान पर 22 बटे सात रखेंगे अगर उसका डायमीटर यानी जो व्यास है वो 40 है, तो रेडियस कितना होगा उसका आधा यानी 20 हो जाएगा हाइट की जगह पर अगर हम बात करें तो सात रखेंगे इस हिसाब से जो हमारा एरिया आएगा वो कितना आएगा आप मुझे बताओ यहाँ पर तो बाईस धोनी चौवालीस चौवालीस धोनी अट्ठासी आठ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कितना आएगा आठ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा नहीं आएगा साठ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आपने गलती कर दी है आपका देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में में है 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 तो इसको ऑन द स्पॉट यहां पर 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 क्या करो 100 से भाग कर दो दो मीटर में बदलने के लिए स्थान पाई आपका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस बीस सेंटीमीटर होगा और बीस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सौ से भाग करेंगे हाइट को मीटर में मीटर में ही रहने दो जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा बाईस का दोगुना चौवालीस चौवालीस का दोगुना अट्ठासी 88 upon 10 meter square क्या हो जाएगा? Area हो जाएगा? जाएगा, ठीक है? और जब हम इस एरिया का cost निकालेंगे, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर एक मीटर स्क्वायर के लिए बीस मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा तो अठासी बटे दस के लिए यहाँ पर इससे बीस से गुना करेंगे अट्ठासी का दो गुना कितना आएगा वन तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ठीक है भाई चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस में काफी आते हैं हमें उस तरीके से उनको सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा है क्वेश्चन रेडियस इज ट्वेंटी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एट ऑफ ट्वेंटी पर मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर सेम सवाल है ये सवाल आपके दोस्तों किस में पूछा गया है तो सीपीओ में पूछा गया है और ये सवाल आपका एम में पूछा गया है दोनों जगह पर आपको क्या करना है तो दोनों जगह पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है और कर्व सरफेस एरिया को रेट के साथ गुना कर देना है पिछला सवाल मैंने कर दिया था यह सवाल आपको करना है यह सवाल आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है होमवर्क को मैंने कहा है पीजीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू का का मतलब पीजी वर्क हो गया नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62 पे देखिए कहा गया कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 3.5 मीटर है उसको पानी से भर दिया जाता है इट इज फुल ऑफ वाटर इफ 15,400 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम इट देन द ड्रॉप इन द वाटर लेवल इन द वेसल विल बी बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया साढ़े तीन मीटर त्रिज्या वाला एक बिल्कुल बर्तन पानी से भरा हुआ है यदि इससे पंद्रह हजार चार सौ लीटर पानी निकाल दिया जाए तो इस बर्तन के जलस्तर में कितनी गिरावट होगी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने उतना पानी उसके अंदर से निकाल दिया है तो उसके हाइट में कितनी गिरावट होगी अब देखो यहाँ पर यह सवाल और आसान है ये सवाल बहुत आसान है अब बोलोगे सर कैसे आसान है तो आपको इसके कंसेप्ट के पीछे समझना है एक बात को जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है हमारे छत के ऊपर की ये टंकी है ठीक है और इस टंकी पे से मैंने मानो यहाँ पर कि 10 लीटर पानी निकाल दिया ठीक हो सकता है यहाँ पर पहले कुछ इसकी इतनी हाइट होगी पानी जो होगा वो इसके अंदर इतना होगा ठीक है और पानी निकालने के बाद क्या हो गया दोस्तों पानी निकालने के बाद यहां पर मानिए कि हमने इतने हाइट तक का पानी निकाल दिया तो अब सिर्फ टंकी के अंदर जो पानी बचा वो इतना बचा हमारे हाइट में इतने की डिक्रीज आ गई इतने की क्या आ गई है डिक्रीज आ गई है तो ये हमसे हाइट पूछता है अब अगर आप असल में देखोगे ना तो आपसे सवाल को घुमाया गया है लेकिन असल में ये कोई नया सवाल है नहीं अगर मानो कि इसके इतना पानी मैंने निकाला है मैंने क्या किया इतना पानी यहां से निकाल दिया है इसको अगर मैं यहां से थोड़ा सा बाहर निकालूं तो अपने आप में ये जो है वो क्या निकलेगा सिलेंडर के फॉर्म में निकलेगा यही पानी जो है वो अपने आप में क्या निकलेगा सिलेंडर के फॉर्म में निकलेगा और इसका हमें सवाल में वॉल्यूम दिया गया है इसका हमें रेडियस दिया गया बस इसका हमें हाइट निकालना है समझ में आ गया बात यानी जब भी कभी कहा जाए कि आपने एक सिलेंडर के अंदर से 100 लीटर पानी निकाला है 20 लीटर पानी निकाला है या जो भी तो मानो इतना पानी निकाला जो पानी निकला वो भी अपने आप में एक सिलेंडर के ही आकार में होगा ठीक है तो इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना इस सवाल में हमसे कहा गया है कि आपने एक भरे सिलेंडर के अंदर से पानी निकाला है यानी उस सिलेंडर की वॉल्यूम दे दी गई है उस सिलेंडर का हमें रेडियस दे दिया गया है और हमसे हाइट पूछा है सवाल में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ड्रॉप इन हाइट पूछा है तो क्या करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है हाइट में उतना ही ड्रॉप होगा जितना ये नए वाले सिलेंडर का हाइट होगा जैसे अगर दो मीटर का ड्रॉप है तो नए वाले का हाइट दो मीटर है तीन मीटर का ड्रॉप है तो नए वाले का हाइट तीन मीटर है यानी सवाल में जो हमें वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है पंद्रह हजार, हजार चार सौ लीटर चार सौ लीटर और आपको पता है सेंटीमीटर तो क्यूब होता, होता, होता है तो हम दोस्तों यहां पर क्या करेंगे इसको किसके साथ गुना करेंगे हजार के साथ गुना करेंगे ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम को लेकर तो वॉल्यूम क्या होता है पाई ठीक है रेडियस का स्क्वायर रेडियस कितना होगा तो साढ़े तीन मीटर साढ़े तीन मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो बोलेंगे सर तीन को के साथ करिए तो, तो क्या होगा दशमलव आएगा नीचे दस आएगा जीरो खत्म तीन सौ पचास आएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा तीन सौ पचास इंटू कितना हो जाएगा तीन सौ पचास और इंटू कितना हो जाएगा हाइट ये बराबर हो जाएगा एक सौ चौवन ठीक है और इंटू दस का पावर कितना है तो दस का पावर हमारा यहाँ पर पांच है तो हम दस का पावर पांच लिख देंगे सात से आप काटेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर सात का कितना गुना है तो सात का यहाँ पर पांच गुना है ठीक है कोई समस्या की बात है ये बाईस का कितना गुना है तो बाईस का सात गुना है कोई समस्या की बात है सात से कितनी बार में कटेगा तो पांच बार में कटेगा कोई समस्या की बात है पांच इंटू पांच पच्चीस हो जाएगा ठीक और पच्चीस सौ पांच इंटू पांच पच्चीस सौ इंटू हाइट बराबर एक दो तीन चार पांच ये पांच जीरो आ जाएंगे दो जीरो से हमारे दो जीरो खत्म पच्चीस से काटेंगे तो कितनी बार में चालीस बार में तो जो हमारा हाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा चालीस सेंटीमीटर और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी पहले के समय में क्या होता था प्री में ये सवाल हमसे ऐसे पूछा जाता था कि एक सिलेंडर है उसका एक रेडियस है ठीक है उसका वॉल्यूम है उसकी हाइट बताओ मेन्स में इसी सवाल के परिभाषा को बदल दिया गया और कहा गया कि एक सिलेंडर के अंदर से आपने पानी निकाला है ठीक है जो भी पानी निकाला है उसकी रेडियस जो है वो 3.5 है तो बताओ हाइट में कितना डिक्रीज होगा तो उतना सोचना ही नहीं है जैसे मानिए कि अगर इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था तो हम कहते हैं एक पल के लिए आप इसको ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि मानिए जो आपने यहां से जो पानी निकाला है ना वो पानी भी सिलेंडर के फॉर्म में ही सिलेंडर के आकार में ही निकला है जितनी यहां पर इसकी रेडियस होगी उतनी ही इसकी रेडियस होगी जितना इसका हाइट होगा उतना ही इसका भी हाइट होगा ठीक और इसका पूरा वॉल्यूम दे दिया इसका रेडियस दे दिया तो हाइट बता दो बस यही तो काम है और क्या है कुछ भी नहीं है ठीक है तो ये काम हमने कर लिया और बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 63 ठीक है कभी भी डिक्रीज़ इन हाइट की वजह से अपने सवालों को नहीं बदलना है अपने टाइप को नहीं बदलना है हमेशा ध्यान रखना है कि डिक्रीज इन हाइट का मतलब क्या हो गया तो डिक्रीज इन हाइट का मतलब ये हो गया कि कितनी हाइट उस सिलेंडर की है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63 कहा गया दरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल ठीक है एक बेलन है उसका जो सरकम्फरेंस है वो कितना है एक चार है उसकी जो हाइट है वो कितनी है तो एक मीटर है कहा गया है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड सिंपल सा बात वॉटर साइया सरकम दे दिया गया है तो सरकम बेस का तो उससे आप रेडियस निकाल देंगे उसके बाद आपको हाइट दे दिया गया है और रेडियस और हाइट पता हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे लेकिन वॉल्यूम जो है वो किसमें दिया गया है तो वॉल्यूम आपसे बोला गया है कि लीटर में बताओ ठीक है दिवाकर तिवारी कहते हैं सर मैं भी सीजल क्रैक करना चाहता हूं प्लीज टेल मी सर कैसे स्टार्ट करें बता दीजिए अपने छोटे भाई को अरे मेरे भाई कितनी बार आपको बता रखा है सिंपल सा फंडामेंटल है बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए ठीक है जितना ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आप उतने ज्यादा जो है वो आश्वस्त होते चलेंगे अपनी परीक्षा को लेकर उतने ज्यादा प्रिपेयर होते चलेंगे ठीक है आ जाइए चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63। क्या कहा गया है तो देखो सिलेंडर का सबसे पहले आकार कैसा होता है ठीक है सिलेंडर का जो आकार होता है वो कैसे होता है वो देखो तो बोलोगे सर ये सिलेंडर है हमारा ठीक है ये हमारा बेलन है और उसके बाद जो इसका बेस का सरकमफेरेंस है बेस का जो सरकमफेरेंस है वो कितना है तो 158.4 है ये 158.4 क्या है तो बेस का सरकमफेरेंस है और ये जो बेस होता है ये किस आकार में होता है तो सर्कल के आकार में होता है यानी वृत्त के आकार में होता है तो असल में ये किसकी वैल्यू है 2πr की वैल्यू है यानी 2 22/7 r है और ये किसके बराबर है तो एक सेंटीमीटर के बराबर अगर हम यहां पर इनके दशमलव को हटाकर नीचे लेकर आते हैं तो तो दशमलव उड़ा दिया तो आप बताओ से से तो नीचेगा चौदह दो नवा अठारह और दो दुनी चार बाईस से अगर आप काटते हैं तो बाईस से ना कटके ग्यारह से काटिए दो बार में कटेगा आपका ग्यारह से काटेंगे तो सात बार में सतहत्तर ठीक है दो बार में बाईस दो से और काटेंगे ये तो छत्तीस बार में आपका कटेगा ठीक तो रेडियस फाइनली आपका क्या आ जाएगा छत्तीस इंटू सात बटे दस छत्तीस इंटू सात बटे दस आपकी रेडियस आ जाएगी कोई समस्या की बात ठीक है ये आपका रेडियस इतना आ चुका है है उसके बाद उनका हाइट कितना दिया गया है? और रेडियस ये आपका सेंटीमीटर में आएगा उसके बाद आपका हाइट कितना दिया गया है तो वन मीटर दिया गया है और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालिए वॉल्यूम के लिए बोलेंगे सर पाई पाई का मतलब इतना रेडियस ठीक है तो रेडियस कितना हो जाएगा छत्तीस इंटू सात बटे दस ठीक है फिर उसके बाद छत्तीस इंटू सात बटे दस ये हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना हो गया दोस्तों तो हाइट हमारा वन मीटर वन मीटर का मतलब कितना हो गया सौ सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर एच ये हमारा क्या हो गया तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया सौ से हमारा सौ खत्म हो जाएगा सात से हमारा सात खत्म हो जाएगा हमारा वॉल्यूम आएगा बाईस छत्तीस सात छत्तीस ठीक है लेकिन उसके बाद सवाल में हमें एक और बात पर ध्यान देना है और हमें क्या देना है कि हमें उसको लीटर में बनाना है uh. और जो हमारा आया है ये किस में आया है दोस्तों तो ये हमारा सेंटीमीटर के क्यूब में आया है यानी हमें क्या करना है तो 22 को 36 के स्क्वायर के साथ ठीक है 22 इंटू छत्तीस इंटू छत्तीस इंटू सात और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है अगर हम इसे लीटर में बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें किससे भाग करना पड़ेगा एक हजार के साथ भाग करना पड़ेगा और तब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा लीटर लिखना पड़ेगा आप इसको कुछ नहीं करो गुना करो और गुना करने के बाद जो है 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 तब यहाँ पर बता दो कि आंसर कितना ठीक करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर 22 का सात गुना कितना होता है तो 22 का सात गुना एक होता है और 36 का स्क्वायर कितना होता है तो 6 का स्क्वायर 6 ठीक है हाथ में तीन क्षेत्रगढ़ अठारह दुनिया छत्तीस छत्तीस और तीन उनतालीस का नौ ठीक उनतालीस का नौ हाथ में तीन हो गया तीन का स्क्वायर नौ बारह सौ छियानवे होता है ठीक है बारह सौ छानबे बारह सौ छियानवे को किसके साथ गुना करना है तो बारह सौ छियानवे को हमें एक सौ चौवन के साथ गुना करना है तो बारह सौ छियानबे को एक सौ चौवन के साथ गुना करो ठीक है छ चौके चौबीस के चौगे, 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 चार हाथ में दो आ गया आपका ठीक है नौ चौके छत्तीस दो का आठ हाथ में तीन आ गया चार दुनिया ग्यारह के एक एक हाथ में चार एक चार एक पांच छ पचे तीस नौ पचे पैंतालीस तीन अड़तालीस पाँच दो नी दस चौदह पांच एकम पांच और चार नौ और फिर बारह सौ छियानवे सबको जोड़ दो यहाँ पर ये चार है ये आठ है नौ छह पंद्रह है ठीक है नौ पाँच चौदह पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस का नौ दस दो बारह ठीक है और ये हो जाएगा बारह कुछ ऐसा करके हमारा आ रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया हमने एक बार हम गुना करके देख लेते हैं वापस से खुद से गुना करके कैलकुलेटर में देख लेते हैं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो ठीक है तो 22 को हमने 36 के साथ गुना किया फिर 36 के साथ गुना फिर सात 199584 करके आ रहा है 22 इनटू 36 इनटू 36 इनटू सात 199 कितना आ रहा है तो 199584 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा थाउजेंड हो जाएगा यानी हम इसको कह सकते हैं और किसके बराबर है तो ऑप्शन नंबर ए के बराबर है पता नहीं बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्यों आंसर दे रहे हैं ठीक है ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा सरकमफेरेंस दिया गया है ना एक सौ अंठावन दशमलव चार तो सरकमफेरेंस से आपको रेडियस निकालना था रेडियस आपका छत्तीस इंटू सात बटे दस आया है और उसके बाद आपको क्या निकालना था वॉल्यूम निकालना था क्लियर है, ठीक है भाई कोई परेशानी की बात है कोई परेशानी की बात है बताओ सरकम दिया गया था तो रेडियस निकाल दिया रेडियस के बाद हमें हाइट दी गई थी और उसके आधार पर हमने क्या निकाल दिया वॉल्यूम निकाल दिया आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीजल के 6 जून का क्वेश्चन है पूछा गया है कहा गया कि वॉल्यूम जो है वो 7480 सेंटीमीटर क्यूब है ठीक है बोला गया इट्स लेंथ द वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिकल सिलेंड्रिकल पाइप इज इतना इफ इट्स लेंथ इज वन मीटर वन मीटर यहाँ पर 1.4 मीटर है एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर तो थिकनेस कितना होगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे थिकनेस पूछा गया है तो हम थिकनेस बताएंगे और कैसे बताएंगे थिकनेस को समझिए मनोज वर्मा कहते हैं सर इतना कैलकुलेटिव होगा तो मैंने एक बात बताओ आप सीजल के मेंस में कैसे सवाल चाहते हो ठीक है सीजीएल के मेंस में क्या चाहते हो कि आसान कैलकुलेशन आपको दिया जाएगा बताइए सवाल इतना हल्का पूछा है आपसे वॉल्यूम निकालने को कहा गया है तो वॉल्यूम निकालने को कहा गया है तो कम से कम तो एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछेगा ना भैया थोड़ा सा कैलकुलेटिव करके अब देखो यहां पर क्या होता है कि हमें यहां पर पढ़ना है ठीक है ठीक सिलेंडेरिकल शेल के बारे में और ये सिलेंड्रिकल शेल के बारे में हमें क्या पढ़ना है जैसे आपके हाथ में जो ग्लास है वो सिलेंड्रिकल सेल हो गया वो क्या हो गया तो जैसे मानो ये हमारा सिलेंडर है समझेंगे मेरी बात को और इस सिलेंडर का कुछ मोटापन है ठीक है मोटापन कैसे है तो ये हमारा जो है इतना मीटर थिक है यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बात को इतना मीटर ये जो ग्लास है ये थिक है स्टील से बना हुआ है और जो पानी आ सकता है ना बस इस लाल वाले के अंदर ही पानी आ सकता है और बाहर से जो ये है इतना ये सब थिकनेस है इसकी ये सब क्या है तो थिकनेस है इसकी तो होता क्या है जैसे आपने शीशे का ग्लास देखा होगा शीशे का ग्लास दिखता कितना मोटा है लेकिन असल में जो उसके अंदर जो सामान आता है वो बहुत कम आता है और अक्सर होटलों में आप देखते हैं रेस्टोरेंट में आप देखते हैं जब आप खाने जाते हैं तो इतना बड़ा बर्तन ला दिया जाता है उसके अंदर इतना खाना होता है आपको लगता है अरे यार कितनी ज्यादा सब्जी दे दी जब खाने चलते हो तो पता चलता है नीचे से इतना मोटा था साइड से इतना मोटा था ऊपर से इतना मोटा था और मटेरियल उसके अंदर काफी कम था मतलब मैं खुद अभी गया एक रेस्टोरेंट में वहां पर मैंने दाल ऑर्डर किया इतना बड़ा स्टाइलिश बकेट में उन्होंने ला कर दिया ठीक है इतना बड़ा स्टाइलिश बकेट था मुझे लगा बाहर से देखने में कि बहुत ज्यादा दाल है जब खाने गए तो पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह पूरी की पूरी पेंदी खाली थी और सिर्फ जो मटेरियल था ना वो इसके अंदर था सिर्फ मटेरियल इतना ही मटेरियल था तो ऐसा होता है रेस्टोरेंट में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है जैसे भी मेरी हाथ में आप ग्लास देख लीजिए अब जो ये ग्लास है ये भी कही न, कहीं ना कहीं सिलेंडर के आकार में है और ये सिलेंडर के आकार में है तो क्या है इसका मोटापन ऊपर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ठीक है इसका मोटापन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर और नीचे भी जो है आपको एक तरीके से कुछ ना कुछ मोटापन मिलेगा तो असल में हमें इस बात को समझना है कि जो ये शेल वाला कंसेप्ट होता है ये बनता कहां से है हमेशा कहती है सर ऐसा ही क्वेश्चन मॉक में आया था बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मॉक में आते भी हैं तो जैसे आपने बचपन में पढ़ा था बचपन का मतलब ज्यादा दूर नहीं थोड़ा सा पहले आपने सर्कल पढ़ा था और सर्कल का सेल पढ़ा था जहां पर मैंने आपको ये अंगूठी के बारे में बताया था कि जो अंगूठी भी आप पहनते हैं वो भी बाहर कुछ और रेडियस होता है अंदर कुछ और रेडियस होता है तो आपको अगर याद होगा वो दिन जब हमने सर्कल पढ़ाया था तब मैंने कहा भी था कि सर्कल जो है अंदर वाले का रेडियस आर होता है बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर होता है और अगर कल के दिन हमसे ये पूछ दिया जाए ये ब्लैक वाले का एरिया कि ब्लैक वाले का एरिया कितना होता है तो आप मुझे यहां पर बताओगे ठीक है जिसको हम एरिया ऑफ रिंग भी कहते हैं कि रिंग का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा तो बोलोगे सर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले को घटा दीजिए यानी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये हमारा होता है सर्कल के रिंग का कंसेप्ट कि बड़े वाले के एरिया में तो, एक -एक तो सिलेंडर उसी तरीके से अगर हम ऐसे रिंग को रखना शुरू कर दें तो वो एक स्पेरिकल सॉरी वो सिलेंड्रिकल शेल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा सिलेंड्रिकल सेल तो इस आधार में दोस्तों जो है अगर हम ऊपर वाले की ऊपर वाला एरिया की बात करें

कभी भी जो थिकनेस होती है वो हमेशा इस बात को ध्यान रखना थिकनेस की वैल्यू कितनी होती है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बड़े वाले की जो रेडियस उसमें से छोटे वाले को घटा दो तो वो हमारा क्या कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा थिकनेस ठीक है तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 में देखो बोला गया है द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ मेटालिकल पाइप इज इतना volume दे रखा है ठीक है लंबाई भी आपको दे रखी है और बाहर वाला रेडियस दे रखा है बस अंदर वाला रेडियस गायब है तो हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं शल का तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट और ये बराबर होगा किसके सात हजार चार सौ अस्सी के ठीक है पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी बाईस बटे सात कैपिटल आर की वैल्यू क्या हमें पता है तो बताते हैं कैपिटल आर की वैल्यू जो है एक्सटर्नल रेडियस होती है बाहर वाली यानी नौ का स्क्वायर अंदर वाले की नहीं दी गई है तो माइनस आर स्क्वायर और हाइट के बारे में क्या जिक्र है तो हाइट के बारे में 1.4 मीटर है ये देखोगे तो ये भी सेंटीमीटर में ये देखोगे सेंटीमीटर में तो उसको भी मीटर में करो 1.4 को मीटर में करने के लिए सौ से गुना करोगे तो बन जाएगा एक और ये बराबर होगा सात के अब आपका जो संख्या कटता है आप उससे काट लीजिए ठीक है जैसे आपका जीरो से जीरो कटता है ठीक है उसके बाद आप चौदह से काटेंगे तो चौदह से क्या कटेगा चौदह से आपका ये दो बार में ही कटेगा सात से काटो आप इसको ये दो बार में कट रहा है ठीक और दो से काटोगे आप इसको तो कितनी बार में कटेगा ठीक है दो से काटोगे तो उनतालीस बार में आपका ये कटेगा फिर उसके बाद आपका जो है नौ का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बराबर होगा किसके थर्टी नाइन अपॉइंट ट्वेंटी टू के ये बाईस जो है हमारा नीचे चला जाएगा

बाईस और ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर के इक्यासी को वो बाईस के साथ गुना करेंगे बाईस से कम बाईस का दो हाथ में दो हो गया बाईस का आठ गुना और दूनी सोलह एक सौ सो छिहत्तर दो एक सौ अठहत्तर हो जाएगा और एक सौ इसमें से हम थर्टी नाइन बटे कितना कर देंगे बाईस कर देंगे यहाँ पे ठीक ये हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू हो गया फर्दर देखेंगे तो बारह से नौ गया तीन आ जाएगा सात से तीन गया तो चार आ जाएगा और ये हो जाएगा सोलह सौ तिरासी बट्टे में कितना बाईस में मुश्किल है भैया आएगा नहीं ग्यारह में ग्यारह ये तो मुश्किल है कुछ तो डेटा में गड़बड़ है सात हजार चार अस्सी होगा ना अच्छा यार यहां लिखने में हमने गलती की है वही मैं कह रहा हूं कि डेटा गड़बड़ है ठीक है सात हजार चार सौ अस्सी है ना ऊपर देखो ऊपर सही लिखा है कोई बात नहीं हमें यकीन था हमारे कैलकुलेशन पे कि हमारा कैलकुलेशन गलत साबित होगा ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा ही गड़बड़ लिया हुआ है तो इसके जगह पर 140 लिखना है और यहाँ पर जो है क्या होता है ना बोर्ड पे जब आप बहुत पास में खड़े होते हैं ना तो आपको डेटा दिखता नहीं है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है बहुत बार होता है ऐसा जीरो से हमारा जीरो चला जाएगा सात से हम काटेंगे तो दो बार में जाएगा ठीक है और यहाँ पर इसको करेंगे तो ग्यारह का देखो ग्यारह से बाईस से आप काटो ना पूरा का पूरा बाईस से कितनी बार में बाईस का तीन गुना छाछठ देखो बाईस से काटोगे आप इसको पूरा का पूरा तो बाईस का तीन गुना छाछठ आ जाएगा और बाईस का चार गुना अट्ठासी हो जाएगा ठीक है दो से काटेंगे यहां पर तो सत्रह बार में जाएगा तो नौ के स्क्वायर में से आर के स्क्वायर को घटाने पर कितना आएगा सत्रह आएगा नौ का स्क्वायर होता है हमारा इक्यासी इक्यासी से दस गया इकहत्तर इकहत्तर से आपका सात गया तो चौसठ आ जाएगा तो चौंसठ बराबर आर का स्क्वायर यानी रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी रेडियस हमारी आठ आ जाएगी

क्लियर है भाई थिकनेस कितना हो गया एक सेंटीमीटर का हो गया कोई शक की बात है हमेशा क्लियर है आपको यह बताइए पहले थिकनेस बताना है या कुछ भी बताना है बहुत ही सिंपल तरीका है वॉल्यूम निकाला और वॉल्यूम निकालने के बाद थिकनेस बता दी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65 को देखो 65 में क्या कहा है कहा है द लेंथ ऑफ ए मेटेलिक पाइप मेटेलिक पाइप की लंबाई दे रखी है एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस भी दे रखा है और कहा गया इफ वन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द मेटल वेट इतना ग्राम तो पूरा का पूरा वेट जो होगा वो कितना होगा बहुत ध्यान से समझिएगा सेम क्वेश्चन है जो वो था वही क्वेश्चन ये भी था ठीक है बस इसमें हमें क्या करना है अंदर वाला रेडियस भी हमें दे रखा है ठीक है तो इससे हम क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके बाद हमें सवाल में कहा गया है कि देखो एक सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना ग्राम है तो तुम्हारा जितना भी वॉल्यूम है उसका वजन कितना होगा तो जैसे मानो कि एक सेंटीमीटर क्यूब का वजन साढ़े सात ग्राम है दस, अगर दस सेंटीमीटर क्यूब आता है तो उसको साढ़े सात के साथ गुना करेंगे बीस आता है तो उसको साढ़े सात के साथ गुना करेंगे यानी हमें इस सवाल में ये करना है कि हमें वॉल्यूम निकालना है आयतन निकालना है और आयतन को लास्ट में साढ़े ग्राम के साथ गुना कर देना है ताकि हमारा टोटल वजन जो है वो निकल जाए साथ में एक और बात आप सवाल में देखेंगे तो वजन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो हम इस सवाल को बड़े बेहतर तरीके से हल करेंगे हमने कहा सबसे पहले हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकालते हैं और वॉल्यूम का मान क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है पाई की वैल्यू देखोगे तो बोलोगे सर बाईस बटे है कैपिटल आर की वैल्यू देखोगे तो बोलोगे सर कैपिटल आर यानी बाहर वाले की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है तो का क्या हो जाएगा? लेकिन यहां पर एक और आप कैलकुलेशन से कैसे बच सकते हैं वो समझिएगा बहुत बच्चे क्या करते हैं इसका स्क्वायर निकाल के इसके स्क्वायर के साथ घटाते हैं नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस गुना ए प्लस बी इससे क्या होगा चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी जैसे पाई का वैल्यू हो गया बाईस बटे सात दोनों रेडियस को घटा दो तो ढाई में से आप डेढ़ को घटा दोगे तो ढाई में से डेढ़ को घटा दोगे तो वन बचेगा ठीक और उसके बाद ढाई में से डेढ़ को जोड़ दो ढाई में डेढ़ को जोड़ दो तो आ जाएगा चार देखो कितने आसानी से ये आ गया लेकिन अगर वही में टू का स्क्वायर निकालता वन का स्क्वायर निकालता और फिर मैं दोनों को घटाता तो ये चीजें मेरे लिए मुश्किल हो जाती हाइट जो है उसको हमको सेंटीमीटर में लेना है यानी उसको सौ से गुना करना पड़ेगा तो सात हो जाएगा वो ठीक है क्योंकि ये सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर में तो इसको सेंटीमीटर में गुना करो ये हो जाएगा हमारा 108 ठीक है तो यहां पर खुद देखो 22 को देखो यहां 22 को 22 में से दो इसको उधारी दे दो तो 22 में से दो इसको उधारी दे दोगे तो ग्यारह हो जाएगा ये दो इसके साथ लेके आठ बन जाएगा और आठ को 108 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा आठ बोलोगे सर आपने ग्यारह क्यों छाटा है बहुत बार मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ग्यारह का गुना करना हो ना या अगर आपको दिख रहा हो कि इसके अंदर बाईस है तो आप इसको ग्यारह बना दो और ग्यारह कैसे बना तो इसके बाहर का दो निकाल दिया दो उस चार के साथ गुना होकर आठ बन गया आठ एक के साथ गुना होकर आठ गया। 11 का गुना आसान होता है इसलिए हम ग्यारह छाट देते हैं ठीक है ग्यारह का गुना कैसे करते हैं तो देखो चार है तो चार लिखेंगे चार का पड़ोसी छे तो चार और छह दस का जीरो हाथ में एक छठ चौदह चौदह और एक पंद्रह का पांच हाथ में एक आठ का कोई पड़ोसी नहीं है तो बस नौ हजार पांच सौ चार नौ हजार पांच सौ चार क्या गया दोस्तों पांच सौ चार सेंटीमीटर क्यूब आ गया बोला एक सेंटीमीटर क्यूब के लिए साढ़े सात सौ ग्राम है तो इतने के लिए कितना ग्राम होगा तो अगर हम उसका वेट पता करें तो वेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके वॉल्यूम को यानी नौ हजार पांच सौ चार को हमें किससे गुना करना पड़ेगा तो साढ़े सात के साथ गुना करना पड़ेगा अब यह वजन जो आएगा दोस्तों वो वो ग्राम में में आएगा लेकिन मेरे सारे ऑप्शन जो हैं वो किस दिए गए के जी में दिए गए हैं, हैं। यानी मुझे किससे भाग करना होगा तो हजार से भाग करना होगा ठीक है हजार से क्यों भाग करेंगे हजार से इसीलिए भाग करेंगे क्योंकि हमारे सवाल में दिया गया है कि वो वजन जो है वो के में है अगर हम इस दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचे हमारा दस आता है ठीक है अब यहां पर देखोगे ना तो बोलोगे सर देखो आसान है सौ देखो यहां पर आप जितने भी ऑप्शन देखोगे तो सारे के सारे सौ से भाग किए गए हैं यानी नीचे का दस हजार में से सौ जो है वो खत्म हो चुका है यानी नीचे चार जीरो है इस चार जीरो को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस चार जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सौ इंटू सौ सौ इंटू सौ अब देखो पच्चीस का तीन से कटा पच्चीस का चार के साथ कटा चार से हमने इसको काटा तो चार दुनी आठ पंद्रह आ गया चार का तीन गुना बारह तीस आ गया चार सत अट्ठाईस और चार छक चौबीस अब इसको गुना करके और यहाँ पर सौ से भाग कर दो गुना करने की आवश्यकता जो है वो पड़ेगी देखो छे का तीन गुना अठारह का आठ हाथ में एक सात इक्कीस एक बाईस का दो हाथ में दो तीन तीन नौ दो ग्यारह का एक थीके? और सेवन वन टू एट सेवन टू एट के साथ जब इसको भाग तो आंसर कितना है ना, तो ना करें आप सिर्फ आर प्लस आर आर माइनस आर कैल्कुलेट करें वॉल्यूम आने के बाद वजन में भी थोड़ी बहुत बुद्धि का प्रयोग करें आप ठीक है अन्यथा आपकी कैलकुलेशन क्या हो सकती है बहुत लंबी हो सकती है क्लियर है ये बात बताइए जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 66 क्या कहा गया 66 में देखिए देखिए वापस से सिलेंडर का क्वेश्चन है सवाल में कहा गया है कि एक होलो सिलेंडर है जो कि मेटल से बनाया गया है डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया बाहर वाले एरिया जैसे अगर हम इसी होलो सिलेंडर में वापस से चले जाएं, जो हम आपको फोटो बना के दिखाए थे तो आप खुद देखो ये जो बाहर वाला ब्लू कलर वाला है ये ब्लू कलर वाले का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा तो बोलोगे सर ब्लू वाले का कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच होगा ठीक है और ये जो अंदर में जो लाल वाला है ये लाल वाला इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा तो टू पाई स्मॉल आर होगा ठीक है, होगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्व एरिया इसके अपने रेडियस के तहत, सर्थे तहत तो तो उसी तरीके से कहा है कि एक खाली सिलेंडर है जो कि मेटल का बना हुआ है और बाहर वाले का और अंदर वाले सरफेस का एरिया जो है वो अंतर है तीन सेंटीमीटर कहा गया सिलेंडर की हाइट जो है वो अट्ठाईस सेंटीमीटर है टोटल सरफेस एरिया जो है इस होलो सिलेंडर का 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनर और आउटर रेडियस कितने के होंगे ठीक है इनर और आउटर रेडियस कितने के होंगे शिवम मिश्रा कहते हैं थैंक यू सो मच भैया इतना अच्छा पढ़ाने के लिए आपसे पढ़ के ही मैं पुलिस के बैच को मैथ्स पढ़ाता हूं चलिए बहुत अच्छी बात है शिवम ऐसे ही मन लगाकर जो है पढ़ते भी रहिए और सही तरीके से बच्चों को पढ़ाते भी रहिए ठीक है बहुत अच्छा बात है ऑल ओवर इंडिया में काफी ऐसे लोग हैं जो मुझसे बढ़कर पढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि मैं हर जगह पहुंच नहीं सकता ठीक है और इसमें जो है बच्चों का ही भला होना चाहिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा काम करिए जिससे सभी का भला हो जिससे सभी का बेनिफिट हो ठीक है तो बस वैसे बेनिफिट के लिए काम करना है और राज आजकल आंसर आपका बहुत पहले आता है बहुत सही करते हो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप जिस तरीके से आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो आप करते रहो क्योंकि हर क्लास में देखता हूँ सबसे पहले आपका आंसर होता है ठीक है चलिए तो हमसे कहा गया सिलेंडर मेटल का बना हुआ है और मेटल में आउटर और इनर कर्व सरफेस एरिया तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया कितना होता है तो बोलेंगे सर 2 पाई आर एच होता है अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया कितना होता है तो टू पाई स्मॉल आर एच होता है ये दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना दे रखा है तो दोनों का डिफरेंस हमारा तीन सौ बावन दे रखा है ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है तीन सौ बावन दे रखा है यहाँ पे ठीक है तो दोनों का डिफरेंस कितना है तीन सौ बावन है अब यहां पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे दो पाई एच हम कॉमन निकाल देंगे और यहां से हमारा आर माइनस आर निकल के चलाएगा और वो होगा हमारा कितना तीन सौ बावन ठीक उसके बाद वैल्यू रखो यहाँ पर दो के स्थान पर दो रखो पाई के स्थान पर पाई रखो हाइट की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है तो हाइट की वैल्यू सवाल में 28 दी गई है तो 28 रखो आर माइनस आर के स्थान पर वो रखो और ये वैल्यू किसके बराबर तीन सौ बावन के बराबर कोई समस्या की बात है बताइए जल्दी से आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये बहुत आसान है ग्यारह से तीन बार में जो है वो कितना कट जाता है जो जो कटते चले काटते चले, से तीन बार में से का दोगुना गुना बाईस और ग्यारह से दो बार में हमारा कटेगा बाईस सात से काटोगे तो चार बार में चार दो आठ दोनी सोलह सोलह से पूरा का पूरा काटोगे तो दो बार में यानी रेडियस का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा तो रेडियस का अंतर हमारा दो आएगा अब एक नजर हम ऑप्शन में भी दौड़ाएंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है ठीक है, जिसके रेडियस का अंतर दो है तो इसमें भी रेडियस का अंतर दो है 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 यानी इस आधार पर तो हम बता ही नहीं सकते हैं ठीक है उसके बाद कहा गया है एक खोखला बेलन

अब आप लोगों को वापस से वो हॉलो सिलेंडर हम बनाकर टोटल सरफेस एरिया उसका दिखाना चाहते हैं जरा गौर से आप लोग देखिएगा बस मान लीजिए कि ये ये आपका बेलन है, ये बेलन है 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 ठीक और आपने बनाया है, तो कैसा बनाया बहुत ही सरल और साधारण आपने ऐसा बेलन बना दिया ठीक उसके बाद क्या हुआ आपसे कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये बहुत ही उल्टा सीधा मैंने बनाया है थोड़ा सा इसको करेक्ट बनाते हैं ठीक है थोड़ा सा इसको सही बनाते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जैसे मानो ये आपका एक बेलन बन गया ठीक है और आपको क्या करना है इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है ठीक इमेजिनेशन से समझ जाओ यहां तक छोटा आर होगा, है? और यहां से अगर हमारा एग्जाम की बात करता है दोस्तों तो टोटल सरफेस एरिया कैसे करेंगे वो समझते हैं टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है एक पल के लिए अगर वो खाली सिलेंडरकल है जैसे कहा गया ना यहाँ पर ठीक है यहां पर सवाल में देखेंगे आपसे तो कहा गया है कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर इज अलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल द डिफरेंस बिटवीन आउटर अपटल सर्फेस एरिया तो टोटल एरिया क्या क्या होगा जैसे मानो कि मैं एक पल के लिए ग्लास बनाता हूं और इस ग्लास को मैं कहता हूं क्या कि ये ग्लास जो है ना ये असल में एक होलो सिलेंडर है तो टोटल सर्फेस एरिया के लिए मुझे इसका बाहर वाला कर्व सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा टोटल वाला जो है ना ये बाहर वाला कर्व सर्फेस निकालना पड़ेगा ठीक है उसके बाद यहां पर ऊपर वाले शेल की एरिया निकालनी पड़ेगी और नीचे वाले शेल की एरिया जोड़नी पड़ेगी इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा यानी जब भी अगर हम ऐसे शेल में टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है तो बोलोगे सर जिस सतह को आपने पकड़ा है ठीक है जिस सतह को आपने पकड़ा है ये हो गया फिर इसके अंदर वाला भाग हो गया यानी दो कर्व सरफेस एरिया होंगे कितने कर्व सरफेस एरिया होंगे दो कर्व सरफेस एरिया एक कर्व सरफेस एरिया होगा बाहर वाला 2 पाई r h हो जाएगा दूसरा कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई स्मॉल r h ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा एक ऊपर वाला शेल का एरिया होगा ऊपर वाला शेल का एरिया क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर तो बोलोगे सर ऊपर वाला शेल का एरिया पाई r2 r2 और इसी का नीचे वाला भी इतना ही होगा यानी यहां पर हम कह देंगे टू पाई आर आर स्क्वायर जैसे मैं आपको एक आ, कुछ देखता हूं मैं अगर कुछ मिल गया तो उसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हम कैसे निकालेंगे ठीक है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ आए हैं किचन में किचन से कुछ मिलता है तो लेकर आते हैं जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने है, है? ठीक अब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है ये ऊपर से भी खाली है और ये नीचे से भी खाली है तो टोटल सरफेस एरिया के लिए दोस्तों क्या होता है ना बाहर वाले का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा तो टू पाई कैपिटल आर इंटू एच फिर अंदर वाले का भी जैसे अगर मानो कि मुझे इसको पेंट के अंदर डुबाना हो तो पेंट जहां जहां पर इस सर्फेस में लग जाए वहीं इसका टोटल सरफेस एरिया होता है तो पेंट इसके बाहर वाले सतह पर लगेगा तो बाहर वाले सतह का कितना हो जाएगा टू पाई कैपिटल आर इंटू एच फिर वो पेंट इसके अंदर वाले सतह में भी लगेगा इस वाले सतह के अंदर ये ये जो है ये है ना ये वाला सतह ये 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 वाला जो सतह है इस वाले सतह में भी पेंट लगेगा पूरा का पूरा तो ये हो जाएगा टू पाई स्मॉल आर इंटू एच उसके अलावा जो पेंट है ना इस वाले सतह पर लगेगा देखो इस वाले पे और ये क्या होगा तो पूरा बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया तो ये हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इस तरीके से जैसे यहां पर होगा उसी तरीके से कहां पर होगा उसी तरीके से पीछे भी होगा ठीक है ठीक है तो देखिए यहां पे मैं जैसा कि दोबारा से बता देता हूं दो पल के लिए इंटरनेट हमारा चला गया था तो कोई बात नहीं यहां पर देखिए जैसे कि मानिए कभी भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो आप उसको ऐसे समझ लो कि अगर मैं इसको पेंट पेंट के अंदर डुबा देता हूं तो वो पेंट किस किस सतह सतह पे पे लगेगा लगेगा जिस जिस सतह पे पेंट लगेगा, वहीं उसका टोटल सरफेस एरिया होगा तो इसका बाहर वाला सर्फेस का एरिया बाहर वाला सर्फेस क्या हो गया तो बाहर वाला सर्फेस टू पाई कैपिटल आर इन फिर उसके बाद ये पेंट इसके अंदर वाले सर्फेस पे भी लगेगा तो अंदर वाले का एरिया कितना हो जाएगा तो टू पाई स्मॉल आर इंटू और उसके बाद क्या होगा, पे तो होगा दो गुना कर दिया गया तो इस बात का ध्यान रखे कि कभी भी शेल का टोटल सर्फेस एरिया निकालना होता है तो हम ऐसे निकालते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी अगर आपको सेल का एरिया निकालना है तो आप मुझे खुद बताओ कि इसका जो टोटल सर्फेस एरिया होगा वो कैसे निकालोगे तो यहां पर जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा ठीक है जो फॉर्मूला था जो हमने बताया था वो आपको समझना पड़ेगा कि भैया फॉर्मूला हमारा ये है और फॉर्मूले में देखो क्या है टू पाई आर टू पाई आर टू पाई अगर इस फॉर्मूले से हम चाहें तो हम टू पाई जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं टू पाई कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ आर इंटू एच बचेगा यहाँ पर स्मॉल आर इंटू एच बचेगा और यहाँ पर बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का वोल स्क्वायर जिसको हम चाहें तो लिख भी सकते हैं यहां पर ठीक है अब यहां पर वैल्यू देखोगे तो सवाल में कहा गया है टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो दो के बराबर है 2640 के बराबर है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है तो बाहर वाले का यानी दो इंटू ठीक है कह सकते हैं ना टू पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो टू पाई क्या हो जाएगा टू पाई कैपिटल आर एच प्लस टू पाई स्मॉल आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये वैल्यू किसके बराबर होगी दो हजार छे सो चालीस के बराबर दो पाई की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहां पर तो बोलोगे सर दो पाई को सीधा यहां ले जाके भाग में कर दो तो दो पाई यहाँ जाकर भाग में हो जाएगा उसके बाद क्या होगा किसका किसका वैल्यू दिया गया है तो एक पल के लिए आप ऐसे समझ लो कि बड़ा वाला रेडियस छोटे वाले के रेडियस से दो ज्यादा है ठीक है तो यहाँ पर कैपिटल आर सबको जो है ना आर के ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आसान हो जाएगा नहीं तो आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो आप अलग अलग लिख भी सकते हो जैसे यहाँ पर टू पाई को वहां भाग में ले जाओगे तो यहाँ क्या बच जाएगा ठीक है जैसे यहाँ टू पाई को यहाँ से ले जाओ और टू पाई को यहाँ से ले जाकर क्या कर दो यहाँ से ले जाके यहाँ पे भाग में लगा दो ये टू पाई जो उधर गुना में था ये टू पाई जो उधर गुना में था यहां जाकर क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा इसके पास भी हाइट है इसके पास भी हाइट है यानी हाइट क्या ले लेंगे कॉमन हाइट कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आर उसी तरीके से यहां पर ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर होता है ये बराबर होगा दो बट्टे में क्या दो पाई ठीक है अभी मैं आपके कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ R R, R R, दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस आर आपका कॉमन आ जाएगा इसके पास भी इसके पास भी इसके पास क्या बचेगा एच प्लस आर माइनस आर एच प्लस आर माइनस आर और वो बराबर होगा दो हजार सौ चालीस बट्टे में किसके तो बट्टे में दो पाई के R R दो तो R R R R है? है और हाइट की वैल्यू कितनी है तो हाइट की वैल्यू अट्ठाइस है हाइट की वैल्यू अट्ठाइस है आर माइनस आर की वैल्यू दो है तो मुझे खुद बताओ अट्ठाइस प्लस दो कितना हो जाएगा तो इंटू तीस बराबर दो हजार सौ चालीस बट्टे में दो पाई दो का मतलब इतना पाई का मतलब बाईस और इसका सात कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा यहां से इसको काटो आप बड़े तसल्ली से जितना आ, काट सकते हो काटो जीरो से आपका जीरो चला जाएगा ठीक है बाईस से आप इसको काटोगे तो बाईस से एक बार में बाईस ठीक और बाईस का दोगुना हो जाएगा हमारा चौवालिस ठीक दो से काटेंगे तो छह बार में कटेगा और तीन से काटेंगे तो दो बार में कटेगा तो हमने देखा यहां पर कि आर प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई सात प्लस दो चौदह आ गई

ठीक है और अगर आपको छोटे वाले की वैल्यू चाहिए तो चौदह में से दो घटा दो बारह बारह का आधा कितना हो जाएगा छह और इस तरीके से आप आंसर लेकर आ सकते हो ठीक है चलो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोनों के कर्व सरफेस का एरिया अंतर दिया गया था तो वहां से आर माइनस आर निकाल दिया टोटल सरफेस एरिया दिया गया था आर प्लस आर निकाल दिया आर माइनस आर पता है आर प्लस आर पता है तो कैपिटल आर की वैल्यू दोनों को जोड़कर आधा स्मॉल आर की वैल्यू दोनों को घटा कर आधा ठीक है कोई परेशानी की बात है पहले इनर पूछा गया तो स्मॉल आर बताएंगे फिर आउटर पूछा गया तो कैपिटल आर बताएंगे इस तरीके से ये सभी बढ़िया बढ़िया सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे कहा गया है कि एक हॉलो आयरन पाइप है जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है उसका बाहर का डायमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर है अगर थिकनेस जो है हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया तो आयरन का जो वेट है वो एक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का कितना है आठ ग्राम है तो पूरा का पूरा पाइप का वजन कितना होगा दोबारा से यह सवाल सेम तरीके का सवाल कोई दिक्कत की बात नहीं आपको पाइप की लंबाई दे दी गई है ठीक बाहर वाले का डायमीटर आठ सेंटीमीटर तो बाहर वाले का जो रेडियस है देखो क्या क्या दे दिया गया है आपको यहां पर हाइट जो है वो इक्कीस सेंटीमीटर दे दिया गया है ठीक है कैपिटल आर की वैल्यू दे दी है कैपिटल देखो एक्सटर्नल डायमीटर अगर आठ है तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। मतलब टीमीटर है कैपिटल मतलब आर की वैल्यू हमारी चार है, है तो चार माइनस आर बराबर वन सेंटीमीटर तो चार में से घटा देंगे यानी छोटे वाले की वैल्यू हो जाएगी तीन सेंटीमीटर तो छोटे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी तीन सेंटीमीटर समझ में आ गया बात यहाँ पे अब आपको यहां पर हाइट पता है कैपिटल आर पता है छोटा वाला आर पता है तो आप वॉल्यूम निकाल दोगे और उस वॉल्यूम को यहाँ पर आप आठ ग्राम के साथ गुना करके सौ से भाग कर दोगे तो के में निकल जाएगा तो ये सवाल आप खुद से सॉल्व करेंगे मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं ये सवाल मैंने आपको बता रखा है तो ये भी क्या हो गया आप लोगों के लिए पी हो गया हाइट दे दिया रेडियस दे दिया थिकनेस दे दिया तो वॉल्यूम क्या करना है खुद से निकालना है विकास कुमार कहते हैं सर पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया विकास पीछे वाले क्वेश्चन में था ही नहीं मेरे भाई कुछ कुछ ऐसा समझने वाला तो था ही नहीं पीछे वाले क्वेश्चन में सिंपल भाषा कही गई थी कि इनके होलो सिलेंडर का बाहर वाले का सतह का अंदर वाले के सतह का टोटल देखो कर्व सरफेस एरिया का अंतर तो बाहर वाले सतह का कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच अंदर वाले का टू पाई स्मॉल आर एच दोनों का अंतर दिया था वहां से आर माइनस आर की वैल्यू निकाल दी फिर उसके बाद कहा कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू इतनी है टोटल सरफेस एरिया का मतलब बाहर वाला सतह यानी टू पाई कैपिटल आर एच ठीक है यहाँ पर विकास पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है यहाँ पर विकास प्रॉब्लम यह हो गई है कि हमने इस टू पाई को यहाँ पर भेज दिया एक काम करते हैं इस पाई को यहाँ नहीं भेजता हम इस पाई को यहीं पर लिखते हैं। अब ठीक है अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया विकास आप ऐसे समझो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो गया बाहर वाला सतह यानी टू पाई आर एच फिर अंदर वाला सतह यानी टू पाई स्मॉल आर एच और फिर उसके बाद ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू इतनी दिया सब में दो पाई दो पाई दो पाई था दो पाई कॉमन ले लिया अब दो पाई को यहाँ पर मैंने नीचे भेज दिया इन दोनों के पास यहाँ पर एच कॉमन था तो एच कॉमन लेके आर प्लस आर कर दिया ठीक है और इनके पास आर प्लस आर था अर प्लस आर कॉमन लेकर निकाल दिया ताकि हमारा आर प्लस आर इकट्ठा वैल्यू निकले आर प्लस आर की इकट्ठी वैल्यू आई आर माइनस आर की वैल्यू दी थी और हमने निकाल दिया